हर हर महादेव, जय श्री केदार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रंजीत और केदारनाथ की एक नई वीडियो की अपडेट में आपका स्वागत है। अगर आप भी इस बार श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हो तो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पिछले दिनों से ही खराब मौसम के कारण यात्रियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा बर्फबारी के कारण सोनप्रयाग और गौरीकुंड में 6,000 से ज़्यादा यात्रियों को रोक कर रखा हुआ है। आप सबके लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि केदारनाथ में आने वाले दिनों में बहुत सारी बर्फबारी और मौसम खराब के अनुमान लगाए जा रहे हैं और बहुत सारे श्रद्धालुओं को वापस भी भेजा जा रहा है। खराब मौसम के चलते हुए मंदिर के गर्भगृह में एंट्री बंद हो चुकी है। साथ ही में आपको बता दें कि बर्फबारी के कारण अभी तक श्री केदारनाथ में 20 लोगों की मौत तक हो चुकी है। और अगर आप भी इन दिनों श्री केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हो तो कृपया आप अपना प्लान चेंज कर लें, क्योंकि 20 तारीख के बाद हो सकता है मौसम चेंज हो जाए, तो आप 20 तारीख के बाद ही आइए। वैसे भी इन दिनों केदारनाथ में बहुत ही भीड़ हो रखी है, जिसकी वजह से गौरीकुंड और केदारनाथ मंदिर के पास रूम वगैरह नहीं मिल रहे। अगर कोई रूम मिल रहा है तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ रहा है। कुछ दिन पहले बहुत सारे लोग टेंट में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन 8 तारीख को उत्तराखंड की पुलिस द्वारा सभी टेंटों को मंदिर के आसपास से हटा दिया गया है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया होगा, आप देख सकते हो। और साथ ही आपको बता दें कि 12 मई के बाद वेदर और भी ख़राब होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके कारण 15 मई तक रजिस्ट्रेशन होना बंद हो चुका है। आप 15 मई के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो ये थी कुछ नई अपडेट जो कि 9 तारीख को निकल कर सामने आई है श्री केदारनाथ से। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार।